हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। एडवर्टाइजिंग कैन डिलीवर रिटर्न्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट, अटेम्प्ट टू डिलीवर दिस टू क्लाइंट एवरी टाइम। यानी कि विज्ञापन निवेश के मुकाबले में अधिक रिटर्न दे सकता है, हर बार ग्राहक को ये देने की कोशिश करे। ये बयान है लेजेंडरी एड गुरु आर के स्वामी का, जिन्होंने अपने नाम वाली इस अग्रणी एजेंसी की स्थापना की। आर के स्वामी कंपनी ने 50 साल पहले चेन्नई से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। अब यह कंपनी अपने शेयर बेचकर अपने निवेशकों को रिटर्न देने की योजना बना रही है। यानी कि एज पर अवर सोर्स, आर के स्वामी एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर यह आईपीओ आता है तो यह भारत में किसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज ग्रुप की ओर से अब तक का पहला आईपीओ होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो आर के स्वामी कंपनी ने 50 साल पहले चेन्नई से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। यह फर्म जो आर के स्वामी बीबीडीओ में बदल गई और अब आर के स्वामी हंसा ग्रुप के रूप में ये जानी जाती है। मुख्य रूप से ये चार सेगमेंट में काम करती है, जिसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, सेकंड में इंटरएक्टिव एंड मीडिया, थर्ड इज ए मार्केटिंग रिसर्च, फोर्थ इज ए ब्रांड एक्टिवेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब इसके आईपीओ मर्चेंडाइज पार्टनर की अगर हम बात करें तो आर के स्वामी हंसा ग्रुप ने इसके लिए IIFL कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और SBI कैपिटल को एज ए एडवाइजरी नियुक्त किया है। अब इसके आईपीओ के साइज की अगर हम बात करें तो एज पर अवर सोर्स फर्म की योजना अपने आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की है। इसमें से करीब 150 से 200 करोड़ रुपए नए शेयरों का इश्यू होगा, जबकि करीब 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा। परंतु आईपीओ के साइज पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और ये बाद में बाजार की स्थितियों पर आधार भी रखता है और बदल भी सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अब तक मिली हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना ही। आगे जैसे ही इसकी कुछ नई अपडेट आती है हम इसके लिए भी आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। और वो डिटेल वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।